दोस्तों टिकटॉक की तरफ से जो है बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, तो इस वीडियो में जो है मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। और वह न्यूज़ जो है उसको लीगल एक्शन को लेकर है अमेरिका के खिलाफ, यानी कि ट्रंप सरकार के खिलाफ। और उसने जो है ट्रंप सरकार ने अब जो है टिकटॉक के साथ बी चैट को भी लपेट लिया है। तो अपन इस सारे मुद्दे पर बात करेंगे। जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो बहुत बड़ी न्यूज़ है जो टिकटॉक ने ट्रंप सरकार के लिए कहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि हम रखते हैं सोशल मीडिया पर नजर। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए करते हैं वीडियो को शुरू। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट पहले जो है 5 देशों के व्यापार को खरीद रहा था टिकटॉक के। तो अब जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बाइडांस से ये बोला है कि हम जो है इसे पूरा ग्लोबली इसका व्यापार हम खरीदना चाहते हैं। तो इस पर बातचीत चल रही है और इस समय जो है बहुत जल्दी इसका फाइनल रिव्यू आने वाला है। लेकिन इस समय जो खबर आ रही है वो आ रही है टिकटॉक नॉट हैप्पी विद ट्रंप एक्सक्लूसिव ऑर्डर टू टेक लीगल एक्शन। अगर जो है टिकटॉक ने ये बोला है ट्रंप सरकार के खिलाफ जो है वह कोर्ट में भी जाएगा और उसके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लेगा, क्योंकि उसने जो है अब बीचैट को भी लपेटे में ले लिया है। आप इसमें देख सकते हैं, पूरी खबर आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको जो है कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाया है दोस्तों। मैं उसे पूरा आर्टिकल को ट्रांसलेट नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें जो है कुछ कॉपीराइट का भी इश्यूज होता है। तो इसलिए मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता, जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो जो टिकटॉक का कहना था, बार बार यही कहता है वो ट्रंप सरकार से कि हम जो है किसी का यूज़र का डाटा जो है किसी को साझा नहीं करते। आप नीचे की टिप्पणी आप देख सकते हैं, इसे पूरा पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके भी। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि ट्रंप सरकार ने जो है टिकटॉक और माइक्रोसॉफ्ट की डील को जो है 45 दिन दिए थे, जिसकी लास्ट डेट है, जो डेडलाइन बताई जा रही है वो है 15 सितंबर। अगर 15 सितंबर तक माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को नहीं खरीद पाता है तो जो है ट्रंप सरकार का कहना है कि हम इसे जो है इसे बैन कर देंगे अमेरिका में। तो इसी बात को जो लेकर जो है टिकटॉक अब जो है सक्रिय हो गया है और बोल रहा है कि हम जो है ट्रंप सरकार के खिलाफ जो है लीगल एक्शन भी ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ी हमें तो। और अगर जो है माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को पूरा ग्लोबली खरीद लेता है तो इसमें जो है सारी दिक्कतें सारी परेशानी जो है दूर हो जाएंगी और जो इंडिया में वापसी भी करेगा। लेकिन कुछ समय कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीद लेता है तो ये जो है इंडिया में बखूबी आराम से वापसी कर सकता है। तो अब सवाल उठता है कि टिकटॉक जो है माइक्रोसॉफ्ट कितने में खरीद रहा है। दोस्तों ये सवाल बहुत कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है और अलग अलग इसके रेट बताए जाते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें बता दूँ कि इसमें अलग अलग रेट इसलिए हैं क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग इसका व्यापार है। किसी में 20 मिलियन डाउनलोड्स हैं, किसी में 2 बिलियन डाउनलोड्स हैं। तो सबसे ज्यादा जो है इंडिया में डाउनलोड्स हैं, जिसमें 20 करोड़ यूजर्स हैं ओनली इंडिया में। तो इसका जो है काफी ज्यादा व्यापार जो होगा वो इंडिया में सबसे ज्यादा महंगे दामों पर खरीदा जाएगा। दोस्तों एक सवाल जो है बहुत ही कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है, क्या 15 सितंबर को जो है टिकटॉक इंडिया में वापस आएगा या 15 अगस्त को आएगा। तो दोस्तों मैं इसमें आपको बताना चाहूँ कि जैसे ही न्यूज आती है वैसे ही हम आप लोगों को बताते हैं। अगर ऐसा कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 15 सितंबर तक अगर टिकटॉक को जो है माइक्रोसॉफ्ट खरीद लेता है तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इंडिया में वापसी के लिए, क्योंकि ग्लोबली कंपनी है ये, सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो आसानी से जो है रन हो सकेगा टिकटॉक इंडिया में। तो आप जो है ये बार बार ना पूछें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम रखते हैं सोशल मीडिया पर नज़र। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।